कृपा सिंधु भैव च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण समाधि आसन चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे कुछ याद है क्या? लास्ट में क्या कहाँ पर खत्म कर दिया था याद है कि नहीं? बोलो कहाँ पर कल कथा विश्राम हो गई? इसलिए गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जिस समय श्रीवास पंडित और उनका पूरा के पूरा परिवार 24 घंटा पे 26 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जब हरिनाम कीर्तन करते थे, कैसे कुछ लोगों ने कहा देखो जो लोग हरिनाम कर रहे ना राजदूत आकर के पकड़ कर ले जाएंगे सब के सब जेल में बंद करने वाले। इतने में श्रीवास पंडित डर गए और डरते हुए उन्होंने भगवान नरसिंह देव को उन्होंने पूजा करना शुरू किया। इतने में महाप्रभु देखा मेरे भक्त लोग डर रहे हैं। जो भक्ति करने वाले भजन करने वाले वो कहते हैं काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। दूसरे व्यक्ति की बात छोड़ दो, काल चक्र भी जिनको देख करके डरते हैं। दुनिया तो काल को डरता है लेकिन काल किसको डरता है? किसको डरता है? यदि भक्तों को डरता है लेकिन भक्त बनना बड़ा सख्त है अगर भक्त हो तो है। इसलिए भक्ति दुर्लभ है, भक्ति दुर्लभ है। इसलिए बोले मेरे भक्त लोग डर रहे हैं, इसलिए महाप्रभु आकर के उन्होंने बोले चिंता मत करो, अगर राज दूत तो आए ना पकड़ने के लिए मैं सबसे पहले मैं ही जाऊंगा हैं, और उनको हाथी घोड़ा उनको जो जानवर का मुंह से मैं क्या उच्चारण कराऊंगा, भगवान का नाम उच्चारण कराऊंगा। इसलिए कोई चिंता मत करो और निश्चिंत होकर क्या करो भगवान का नाम संकीर्तन करो। इतने में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने वहां पर महाप्रभु बैठ गए और उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह उन्होंने दर्शन कराया। कहते हैं महाप्रभु बोले तोर उच्च संकीर्तने
नारार हुंकारे, छाड़िया बैकुंठ आईनो सर्व परिकरे। कहते जगत में मैं आया क्यों, बोले इसलिए मैं जगत में आया हूँ, बोलो तोर उच्च संकीर्तने नारार हुंकारे। यहाँ पर महाप्रभु कहते दो कारण में आया हूँ। कहते तुम लोग क्या करते थे, दिन रात 24 घंटा जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परिवार के पूरा परिवार हरि कीर्तन करते थे। और अद्वैताचार्य क्या करता था, गंगा जल और तुलसी पत्ता दे करके मेरे को आह्वान करते थे, बोले प्रभु कब आप इस जगत में पधारोगे, कब ये दुष्टों को आप परिवर्तन करोगे, कब दुनिया को प्रेम प्रदान करोगे। इसलिए कहती है दो कारण से मैंने ये जगत वैकुंठ छोड़ करके यहाँ पर अपना परिकरों को साथ में यहाँ पर आया। इसलिए इतने में श्रीवास पंडित भगवान को स्तुति करते हैं, कहते नव मिटते अब्र बफु से, उसके बाद बोलो तड़िताम्बराय, किसको याद है, गुंजावतन स परिपोचल सत मुखाय, बोलो धन्य सहजे विशाल वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण अभिन्न स्वरूप रूप में उनको उन्होंने वंदना किया है, उनको वंदना किया है। और तुम ही जगत का मालिक हो, तुम्हारी चरण से ही ये गंगा स्वयं तुम्हारी चरण से ये प्रकट हुए, इसलिए गंगा तुम्हारी चरण से ही ये गंगा प्रकट हुई। बड़ी सुंदर उनने स्तुति किया, बोले नव मिटते अब्र बफु से तड़ितम्बराय। क्या प्रार्थना करते, बोले हे प्रभु ये स्तुति किसका है, ब्रह्मा जी का। इसलिए गुरुदेव कहते थे भागवत में तीन कृष्ण का जो रूप का वर्णन कहते तीन श्लोक में किया है, कहते एक तो किसने किया, एक ब्रह्मा जी ने किया, और एक तीजो पत्नी ने, और एक ब्रज गोपियों ने राधा रानी ने किया है, राधा रानी ने किया है। इसलिए ब्रह्मा जी वो दास्य रस के भक्त हैं, इसे दास्य रस के भक्त होने का नाते सर्वप्रथम उनका जो स्तुति का जो पहला जो शब्द है नवमी मतलब आपके चरण में मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान का चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है, बोले सकृत प्रणाम कृष्णस्य मातुस्तन पिबेदन। कहते अगर एक बार कोई भगवान के चरण में एक बार प्रणाम कर देना, कहते उसको कभी मैया का दूध पीना, उसको कभी मैया के दूध पीना नहीं पड़ेगा। बोले दूध कब पिएगा, जब जन्म लेगा तब तो पिएगा, जब माँ के पेट में जाएगा तभी तो जन्म लोगा। इसका मतलब है कहते कृष्ण प्रणाम नपुनर भवाय, कहते कृष्ण चरण में एक बार जो प्रणाम कर लेते हैं नपुनर भवाय, इस जगत में फिर ये जगत में नहीं आएगा है। इसलिए इतने महिमा। और जब महाराज क्या कह रहे हैं, किसको किसको पकड़ करके ले आओगे, बोलो क्या श्लोगे, बोले जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चतश्चन स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णाय नमति जत सीर एकदापि तान आनय धम असत अकृत विष्णु कृत्या। यहाँ पर कह रहे हैं कहते क्या बोल पहला, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जो लोग का जीवा में भगवान की जीवा न भक्ति भगवत नाम गुण है, भगवान के नाम गुण जो कीर्तन नहीं करते हैं। बोले चतश्चत न स्मरति जात चरणारविंदम, जो व्यक्ति अपना हृदय में भगवान को चरण को हैं क्या करते हैं, हृदय में धारण नहीं करते हैं। बोले कृष्णाय नो नमति जत सीर कदापि, जिसने भगवान का कृष्ण के चरण में एक बार भी जो प्रणाम नहीं किया, बोले तान आनेदा कहते उन्होंने दुष्टों को पकड़ करके मेरे पास में ले आना। हाँ विष्णु कृत्या मतलब है, इसका मतलब जो विष्णु मंत्र में जो दीक्षित हुए हैं, इसलिए जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हुए हैं उनको कभी नहीं लाना, मना कर देते।
जो एक बार विष्णु मंत्र दीक्षित होते हैं उनको कभी जब महाराज नहीं ले जाए, कभी नहीं ले जाए। इसलिए कहते कृष्णाय नो नमति चत सिर कदापि, जिसने एक बार भी भगवान के चरण में सिर नहीं नमाए। कहते हम लोग तो बहुत बार नमाए, बहुत बार भगवान के चरण में सर को नमाते हैं, हैं? कहते नमस्कार मतलब क्या है? कहते संपूर्ण अहंकार छोड़ करके, हैं? संपूर्ण अहंकार को छोड़ करके संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागति होना, इसको ही नमस्कार कहते हैं। अगर ऐसे होनी चाहिए, नमस्कार तो बहुत बार करते हैं, लेकिन अगर ऐसे एक बार अगर हम नमस्कार कर दे फिर तो हमारी काम बन जाएगा। इसलिए सर्व पहला जो श्लोक का पहला जो शब्द है नवमी, बोले हे प्रभु आपका चरण में मैं प्रणाम करता हूँ, इसका मतलब आपका चरण में मैं शरणागति होता हूँ। इसलिए शरणागति का बहुत बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान राम स्वयं सप्त समुद्र को साखी करके कहते हैं, क्या साखी करके कहते हैं, सकृत एव प्रपन्न जस समाम स्मितत जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम। ये भगवान की व्रत है, हम भी व्रत करते हैं, लेकिन भगवान क्या व्रत करते हैं? भगवान का व्रत है सकृत एव प्रपन्न, जो एक बार भगवान को बोल दे निष्कपट हृदय से, क्या ठाकुर जी आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, बस आप ही तो तुम्हार, तुम ही तो अमार की काजा अपरधन, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, हैं? इसलिए अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको हर समय अभय प्रदान करता हूँ, ये मेरी व्रत है। इसलिए सत्य व्रतम, सत्य व्रतम, सत्य परामत्रि सत्य, ये सत्य व्रतम भगवान की, ये जो व्रत ये सत्य है। इसलिए नवमी, नवमी मतलब क्या, भगवान के चरण में निष्कपट होकर के जो एक बार प्रणाम करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी दास्य रस गए हैं, इसलिए होने का नाते भगवान का चरण में प्रणाम करते हैं। इसलिए नव मिटते कहते आप प्रभु, आप कौन हो, आप मेरे प्रभु हो। अभ्र बभु से तड़ितम बराय है, इसलिए भगवान की बड़े सुंदर पीताम्बर पहने हुए, बोले गुंजा बतंस, कद भगवान के कानों में कहते गुंजा 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 का जो ये है ना, क्या बोले कर्ण फूले गुंजा है, कभी गुंजा माला कानों में गुंजा की कुंडल है, बोले गुंजा फूल को धारण करते हैं। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिया था, क्या क्या दिया था, गुंजा माला और श्री गिरिराशिला। महाप्रभु बोले रघुनाथ ये जो गुंजा माला है ये राधा रानी की स्वरूप है, और ये जो गिरिराज गोवर्धन कौन है, ये कृष्ण स्वयं। इसलिए जो गुंजा माला है, गुंजा माला देखा कि नहीं, क्या है गुंजा माला, क्या, हाँ कैंची का कुड़ी, हाँ उड़िया रखा कहते, हाँ कांचे वाली, इसलिए कांचे वाली, ये कांचे वाली छोड़ 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 छोड़। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चकुर ठाकुर कहते हैं एक में तो राधा रानी की स्वरूप है, दूसरा अर्थ क्या है, भगवान ये शिक्षा देते हैं मेरे को प्रसन्न करने के लिए ऐसे नहीं कोई बहुमूल्य वस्तु दो तब भगवान खुश होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। गुंजा जो कैंची, क्या कैंचा, वो बिना पैसा में जंगल में घूमा अपने आप, हैं अपने आप, हैं अपने आप मिलेगा, पैसा की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं मेरे को खुश करने के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु देने पर मैं खुश होगा, ऐसे नहीं, प्रेम से अगर कोई वस्तु मेरे को दे तो मैं उसी से ही प्रसन्न होता हूँ। और दूसरा राधा रानी का स्वरूप है, राधा रानी का स्वरूप ये है, इसलिए कहते गुंजा पतंस, इसलिए कहते परिपीछ लसत मुखाय, सर के ऊपर में मरु पंख है। इसलिए मैंने पहले बता दिया, कितना कारण बताया था, बोला छह कारण बताया था, भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं। इसलिए गुंजा बतंस परिपीच लसत मुखाय बन्न सृजे, कहते भगवान की जो श्रृंगार है बन्न बेस है, भगवान कृष्ण को कभी ब्रज गोपियां कभी उनको निकुंज में सुंदर सुंदर फूलों से श्रृंगार करते हैं, कभी कभी सखा लोग भी कृष्ण को बड़े सुंदर जंगल के फल पत्तों से और गौरी के रंग से कृष्ण को बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं। कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं कहते यद्यपि मेरे श्रृंगार बहुत स्थान पर है, वैकुंठ में लक्ष्मी मेरे को श्रृंगार करती, हीरे जवाहरात हैं
और असरफियों से मेरे को श्रृंगार करती हैं। इसलिए कभी कभी श्री सीता देवी अयोध्या में भी प्रभु को बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं। द्वारका में भी भगवान को 16108 फट रानियां उनको भी बड़े दिव्य दिव्य हीरे जवाहरात से श्रृंगार करते हैं। लेकिन कृष्ण शिक्षा देते हैं, लेकिन ये सारे श्रृंगारों से सबसे प्यारा श्रृंगार मेरा क्या है? कि सबसे प्यारा श्रृंगार है जब मेरे को ब्रज का जो श्रृंगार फल पत्ते फूलों से जो मेरी श्रृंगार है, कभी ये श्रृंगार मेरा सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। इसलिए बनस रजे और विशाल वेणु, भगवान क्या करते हैं, बड़े सुंदर बंसुरी बजाते, विशाल वेणु बनस रजे मृदुपदे पशु कबल वेत्र। इसलिए भगवान के हाथ में क्या है, दही चावल है। कभी खाए हो दही चावल? कौन कौन खाए दही चावल? दूध चावल खाए हो? इसलिए हमारे उड़ीसा में तो प्रसिद्ध है, उड़ीसा में तो ज्यादा ब्रह्मपुर में बहुत खाते हैं दही पखाल, और जगन्नाथ जी को तो भोग लगता है। लेकिन हिंदी जो हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं ना, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं है? चावलों के साथ में दही। लेकिन इधर जगन्नाथ जी को रोज बड़े सुंदर हैं अदरक नींबू देकर खाए ना, जगन्नाथ जी को बड़े सुंदर, जगन्नाथ जी को बड़ा सुंदर भोग लगता है, हैं बड़ा प्यारा है। इसलिए यहाँ पर भगवान है, भगवान ज्यादा करके चावल रोटी नहीं खाते थे ज्यादा, भगवान खाते थे क्या खाते थे, भगवान ज्यादा करके चावल खाते थे हैं। इसलिए रामायण में भी आता है, क्या रामायण में आता है, जिस समय श्री दशरथ महाराज कृष्ण से रामचंद्र को गोद में बैठा रहे और बैठा करके उनको हैं उनको खिला रहे, क्या करे, चावल दूध चावल खिला रहे थे। इतने में भगवान राम ने क्या किया, हाथ में एक मुष्टि उन्होंने चावल को पकड़ करके और किलकारी मारते हुए भाग गए। जब किलकारी मारते हुए भाग गए, जब हाथों में एक मुष्टि उन्होंने दूध चावल को लेकर गए, अभी रास्ता में गिरते 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 गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं, बोले भगवान ऐसे क्यों किए हैं, खाते खाते और झूठन को हैं झूठन को हाथ में पकड़े और किलकारी मारते हुए क्यों भाग गए, क्यों भाग गए, कारण क्या? बोले कारण है, भगवान को पता है दरवाजा को बाहर श्री काक भुसुंडी बैठा है, काक भुसुंडी बैठा, बोले प्रभु का प्रसाद हमें कब मिलेगा। लेकिन अभी उनको कौन प्रसाद देगा, भगवान तो भक्तों को ही प्रसाद दे सकते हैं ना, इसलिए ठाकुर जी को पता। इसलिए उन्होंने एक मुट्ठी जब उन्होंने चावल और दूध लेकर भागे, जो चावल वहां किनका किनका गिरा, फिर काक भुसुंडी ने एक एक चावल को उठा उठा करके भगवान राम का ये प्रसाद है। इसलिए रामायण में भी आता है भगवान क्या खाते थे, चावल खाते थे। और हमारे वृंदावन में हैं वहाँ पर भातरोल है, उसका नाम भी भातरोल, भातरोल में भात। इसलिए जिस समय कृष्ण बलराम आए सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए, इतने में जब भूख लगी, सखाओं ने कहा कन्हैया आज बड़े भूख लग रहा है, बोले जाओ उनसे भात मांग कर ले आ, क्या लग रहा है, भात मांग कर ला। इसलिए वहां पर भी उन्होंने भात मांगने के लिए गए, इसलिए उस स्थान का नाम भात, स्थान का नाम भात है, इसलिए स्थान का नाम भी भातरोल है। रोटी बटी चलता हो, चलता था रोटी पूरी, लेकिन ज्यादा भगवान चावल खाते थे। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, ब्रह्मा जी यहाँ खुद कह रहे हैं भगवान के हाथ में क्या है, ठाकुर जी के हाथ में दही चावल रखा हुआ और आचार रखा हुआ, और ठाकुर जी खाते खाते ठाकुर जी वहां से भागे। विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ कह रहे हैं, भगवान ने शिक्षा देते हैं, यद्यपि मेरे को बहुत लोग बहुत कुछ भोजन देते हैं, लेकिन सबसे प्यारा भोजन मेरा क्या है, बोले दही चावल दूध चावल। दूध चावल खाए कि नहीं तुम लोगों ने, दूध चावल खाए, बढ़िया लोग तो सब खाए, इसलिए दूध चावल बहुत बढ़िया लगता है, दूध चावल दही चावल बढ़िया लगता है। और देखो और एक चीज समझो, जितने धाम है, चार धाम है, कितना धाम है, क्या क्या बोलो, एक पूरी धाम, एक बद्रीनाथ धाम, एक रामेश्वर और एक द्वारका। हम चार धाम पर जाओ कहीं नहीं देखोगे रोटी लगता हुआ, देखोगे वहां पर चावल ही भोग लगता है, जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ। इसलिए वहां भी जगन्नाथ जी को क्या भोग लगता है, भात दाल भात सब्जी भोग लगता है। अब वहां पर जाओ लिंगराज मंदिर में जाओ भात, बद्रीनाथ जाओ
बिना बद्रीनाथ क्या भोग लगता है? भात है। रामेश्वर में जाओ भात भोग लगता है, द्वारका में जाओ भात, सब जगह में ठाकुर जी को भात भोग लगता है। यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर कहते हैं सबसे मेरा जो प्यारा जो भोजन है ना दही चावल दूध चावल, इसलिए जगन्नाथ जी को रोज यहाँ पाखाल भोग लगता है। ठाकुर जी दही चावल खाते हैं रोज रोज, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए बन्ने सर जी विशाल मृदु पद पशुपांग गजाय, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी एक सुंदर सिद्धांत को स्थापन करते हैं। क्या स्थापन करते हैं? बोले कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण पशुपांग जाय, पशु मतलब जो पशुओं को चराने वाले, कौन? नंद बाबा जो गैया चराते, उनकी अंग से जो चावल प्रकट हुए हैं, उनके अंग से जो प्रकट हुए, इसलिए कृष्ण कौन है? श्री नंद नंदन है, कृष्ण श्री जसोदा नंदन। ब्रह्मा जी स्थापन करते हैं कृष्ण जसोदा नंदन और श्री नंद नंदन है। तद इसी श्लोक को श्रीवास पंडित ने बड़े सुंदर रूप में ठाकुर को उन्होंने स्तुति किया है, हैं? स्तुति किया और श्रीवास पंडित कहते बोले प्रभु, अभी महाप्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया ना, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया और विष्णु की घटिया पर बैठ गए, पूरा उन्होंने अपना रूप को दर्शन कराया। अभी श्रीवास को पता चला ये कौन है, कहते मेरे प्रभु स्वयं श्री कृष्णचंद्र है, कृष्णचंद्र। अभी श्रीवास पंडित कह रहे बोले प्रभु मैंने आप चरण में अपराध किया। बोले क्या किया? बोले जब हम स्नान करने जाते थे आप क्या करते थे? महाप्रभु क्या शिक्षा देते थे? हमार सेवा हमार होते हमार भक्त सेवा बड़ा है, मेरे से मेरे भक्तों का सेवा बड़ा है। इसलिए महाप्रभु श्रीवास पंडित के कपड़े को गंगा पानी में धोकर के पानी निचोड़ देते थे और उनको साजी पकड़ करके, मतलब जो उनको जो क्या बोलते हैं, उनको जो टोकरी होता था जिसमें पूजा की सामान ले जाते थे, महाप्रभु स्वयं पकड़ करके लाते थे और श्रीवास पंडित को घर में देते। बोले प्रभु आपका चरण में हमारी अपराध हो गया, हमारी सेवा पूजा अब हमारी सेवा किया हो है, इसलिए यहाँ पर श्रीवास पंडित कह रहे हैं बोले प्रभु आपका दर्शन करते हुए हमारी एक जन्म नहीं, हमारे जितने पितृपुरुष सबके सब उद्धार हो गए परिवार को साथ में। इतने में श्रीवास पंडित महाप्रभु का चरण में उन्हें नरसिंह भगवान के लिए जो धूप दीप अगुर चंदन कर्पूर ने इकट्ठा किया था सबके सब लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण में उन्होंने दे करके महाप्रभु को उन्होंने उन्हें पूजा किया है, हैं? पूजा किया है। बोले अनंत ब्रह्मांड माझे जतो जी बैसे सवार प्रेरकामी अपनार रसे, मुई जदि बोलाऊ से ही राजा शरीरे तबे से बोलित फारे धरी वार तरे। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, इसलिए महाप्रभु कह रहे कोई चिंता मत करो, तुम लोग निश्चिंत होकर के भगवान की भक्ति करते रहो, भजन करते रहो, हैं? भजन करते रहो। इसलिए जब तक मैं किसको हृदय में प्रेरणा नहीं देता हूँ तब तक कोई बोलेगा नहीं, तुम लोगों को पकड़ करके ले जाए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है भगवान जो कुछ जगत में होता है ना वो ठाकुर जी की इच्छा से होता है, ठाकुर को इच्छा से पर कोई पता नहीं मिलता है। इसलिए तत्व अनुकंपा सुषमिक्षमाण भुंजामि एवात्मा कृतम विपाक, हमने जो किया हुआ कर्म का फल हम लोग भोग करते हैं, ये भक्तों का विचार है। लेकिन जब हम सचमुच से हृदय से हम भगवान की भक्ति करेंगे, हैं? भगवान की भजन करेंगे, भगवान का जो सुदर्शन चक्र हमें हर समय रखा करेंगे। इसलिए क्या करनी चाहिए? हम निष्कपट होकर के सचमुच से भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें। एक ऊपर का एक बेस अंदर में दो तरह नहीं होनी चाहिए, एक ही होकर के निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करो। भक्ति करने से हैं, इसलिए भक्ति करने से भगवान हर समय, जैसे प्रहलाद को रखा किया, हरिदास ठाकुर रखा किया, जिन जिन भक्तों ने भगवान की चरण में शरणागत हुई भगवान ने सबको ठाकुर जी रखा किया, जब उनने सबको रखा किया हमें क्यों नहीं रखा गया? इसलिए हमें ठीक करके भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरि हरि। बोले जगत हरे नाथ घरे हई अवतार, जगन्नाथ घरे हईला यही अवतार, श्रीवास पंडित गृहे जते कविहार। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को मिश्र घर प्रकट हुए, लेकिन महाप्रभु का जितना बिहार है वो कहाँ पर हुआ? बोले श्रीवास पंडित की घर में हुआ है। महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को दर्शन कराया, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया? बोले खबरदार, मैंने तुम्हें जो ये चतुर्भुज रूप दर्शन कराया, संकच कर गदा किसको बोलना नहीं, ये बात को छुपा करके रखना है। इसलिए देखो महाप्रभु भगवान है, लेकिन होते हुए भी महाप्रभु जिन जिनियों को दर्शन दिया, जैसे तैथिक को दर्शन दिया, केशव काश्मीर को दर्शन दे दिया, लेकिन महाप्रभु सबको मना किया, कभी बोलना नहीं, क्योंकि भगवान का ये प्रचन्न अवतार है। लेकिन अभी जो युग है, सब कितने पता नहीं कितने भगवान सब आ रहे हैं, कितने भगवान सब प्रकट हो रहे हैं, अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान, सब मोर पंख पहन लेते हैं और हाथ से मधु निकालते हैं और तुलसी पत्ता, और सब सब जेल में जाकर बैठ जाते हैं। हाँ सबको बोलो मैं भगवान हूँ, सबको बोल तो मैं भगवान हूँ। इसलिए यहाँ प्रगत एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय अवश्य मिलिवे कृष्ण वैष्णव कृपा। वृंदावन दास ठाकुर कभी अध्याय का सार क्या समझाना चाहते, कहते सार यही समझाते हैं, एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय, मतलब भगवत प्राप्ति की सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, क्या है? वैष्णव का सेवा। अवश्य मिलिवे कृष्ण वैष्णव कृपा, जब तक भक्तों का कृपा नहीं हो तब तक भगवान नहीं मिलते हैं, अगर भक्तों का कृपा हो जाए तो ठाकुर जरूर हमें मिलेंगे ही। अभी तृतीय अध्याय में कहते हैं, बोले एक दिन बरहा भाबेर श्लोक सुनी, गर्जिया मुरारी घरे चलीला अपनी। कहते एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने बरहा देव का श्लोक एक श्रवण करते हुए, महाप्रभु बरहा भाव में गर्जन करते 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 श्री मुरारी गुप्त घर में पहुंचे। कहते मुरारी गुप्त कृष्ण लीला में कौन थे? कहते ये हनुमान जी है, ये हनुमान जी है। अभी उनके घर में महाप्रभु पहुंचे और हनुमान जी के किसके सेवक है? हनुमान भगवान राम की है। जब उन्होंने महाप्रभु वहां पर पहुंचे, इतने में मुरारी गुप्त दर्शन करते हुए उन्होंने महाप्रभु का किस रूप में दर्शन किया? महाप्रभु को ने राम रूप में दर्शन किया और चरण की वंदना किया है। इतने में सुकर सुकर बोले विष्णु गृह प्रवेश, इतने में बरहा रूप धारण करते जैसे भाव लेकर के उन्होंने उनकी मंदिरी प्रवेश किया। प्रवेश करते हुए उन्होंने एक लोटे को उन्होंने उठा लिया है, जैसे बरहा देव ने पृथ्वी को जैसे उत्तोलन किया था, अपना मुंह को ऊपर उन्होंने एक लोटे को रख करके उन्होंने उठा लिया है। इतने बोले अनंत ब्रह्मांड जार एक फण धरे, सहस्र बदन इह जाते स्तुति करे। हैं इतने में कहते चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले अनंत ब्रह्मांड जार एक फण धरे, एक स्वरूप में कौन है? ये है अनंत देव ही है। कहते अनंत ब्रह्मांड को एक फण को ऊपर में सरसों जैसे भगवान धारण करके रखे और कहते सहस्र बदन यह जार स्तुति करे। कहते सहस्र बदन श्री अनंत देव श्री बलदेव प्रभु जिनकी स्तुति करते हैं। कहते अनंत भी जिसके थार नहीं पाते हैं, हैं इसलिए वेद प्रति क्रोध करी बलय उत्तर। इतने में श्री बरहा भाव में वेद का प्रति उन्होंने बड़ा क्रोध करते हुए महाप्रभु बोलते हैं। बोले कहीं कहीं प्रभु बोलते हैं ना अपानिपाद जवन गृहिता, उसके बाद में पश्यत चक्षु श्रीनोत करना है। इसलिए कहीं कहीं वेदों में कहीं कि भगवान को निराकार निराकार कहीं बताया, इसलिए महाप्रभु यहाँ पर बड़े क्रोधित होकर के बोल रहे हैं। कहते काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाश आनंद, उसके बाद में सही बेटा करे मोर अंग खंड खंड। उस समय काशी में प्रकाश आनंद कहते मायावादी सन्यासी था, इसलिए महाप्रभु तर्जन गर्जन करते हुए कह रहे, बोले बेटा प्रकाश आनंद काशी में क्या करता है? बच्चों को वेदांत पढ़ाता है, पढ़ाते हुए क्या बोलता है? भगवान की अंग नहीं, भगवान निराकार है,
निर्विषय से भगवान की रूप गुण लीला है ही नहीं, भगवान केवल एक ज्योति स्वरूप है, हैं? इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कहते सही बेटा मोर देह करे खंड खंड, हैं? मेरे शरीर को वो टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन मेरा शरीर क्या है कहते जिस शरीर को ब्रह्मा शंकर नारद जिस शरीर को पूजा करते हैं, जिस शरीर को स्पर्श करके सबके सब पवित्र होते हैं, जिनकी चरण से स्वयं गंगा प्रकट हुई है, हैं? और जिनकी रूप को समस्त वेद वेदांत शास्त्र में बड़े सुंदर रूप में वर्णना किया है। अभी ब्रह्मा जी बोल रहे थे ना, नौ मिडत अभ्र भूषे तरी तंबराय सचिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतव ईश्वर परम कृष्ण सचिदा नंद विग्रह श्यामम हिरण परिदीम बनमाल्य वरहा है। इसलिए वरह पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, जिस स्वरूप को सारे वेद वेदांत उपनिषद में कितने सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णना किया है, कितना सुंदर। कहते ये रूप को कहते ये दुष्ट बेटा मेरे शरीर को कहते भगवान का रूप नहीं, इसलिए मैंने क्या किया उसको शरीर में कुष्ठ गलित मैंने कूड़ उसका शरीर को बना दिया, उसको शरीर को मैंने गलित कुष्ठ बना दिया, लेकिन तब भी वो दुष्ट ये चीज को समझ नहीं पा रहा है, हैं? इसलिए कहते ना अपानी पादो जिनका चरण है ही नहीं, लेकिन दूसरे तरफ में क्या कहते हैं बड़े सुंदर प्रभु चलते हैं, हैं? भगवान बड़े सुंदर चलते हैं, अगर प्यार नहीं तो चलते हैं कैसे? कहते हैं क्या पश्चात चक्षु है, कहते दूसरे तरफ में कहते उनका आंख नहीं, लेकिन दूसरे तरफ में बड़े सुंदर प्रभु दर्शन करते हैं, बोले श्रीनोती करना, कहीं कहते भगवान कान नहीं, लेकिन दूसरे तरफ में क्या कहते हैं बड़े सुंदर कानों से भगवान श्रवण करते हैं, हैं? श्रवण करते हैं कैसे कहते हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अच्छे बड़े पंडित कह रहे थे, बोले जिसका नाम नहीं उसको क्या बोलेंगे अनाम, जिसका नाम नहीं उसको क्या बोलेंगे अनाम, जिसको जिसको रूप नहीं इसको क्या बोलेंगे अरूप, जिसको रूप नहीं इसको अरूप कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बताया भगवान को निर्विशेष निराकार, कहते ना भगवान कहते निराकार है, जिसका रूप नहीं उसको कहेंगे अरूप कहेंगे, निराकार नहीं कहेंगे, हैं? इसलिए एक बड़े विद्वान बोल रहे थे बोले उसित है, हाँ, इसलिए अनाकार, लेकिन उनको निराकार क्यों बताए, कहते निर्गत आकार जस्मात, मतलब जिनकी प्राकृत शरीर नहीं, इनका तो रूप है लेकिन उनका रूप कैसे, बोले दिव्य रूप है, उनका रूप दिव्य रूप है, इसलिए निराकार मतलब ये नहीं भगवान का रूप नहीं, नहीं है, भगवान का रूप है लेकिन जिनका रूप दिव्य रूप है, इसलिए प्रेमा जन छुरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदय सो विलोकयतिम जब श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमह भजामि, लेकिन वो रूप को कौन दर्शन करता है, बोले प्रेमा जन छुरित भक्ति विलोचन न, जब आंखों में हम प्रेम रूपी अंजन को हम लगाएंगे तभी प्रभु का दिव्य रूप का हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये जड़ आंखों से प्रभु का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हैं, इसलिए भगवान निराकार नहीं हैं, भगवान निराकार नहीं है, भगवान सुंदर स्वरूप है, भगवान अपूर्व स्वरूप है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए महाप्रभु कह रहे बोले संकीर्तन कहते संकीर्तन के लिए मेरा ये अवतार हुए हैं, बोले सेवक और द्रोह मुई सहित ना पारी पुत्र यदि है मोर तथापि संघारी, यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं अगर मेरे सेवक को ऊपर में है अगर कोई द्रोह करता है ना, कहते मैं ये चीज को कभी भी सहन नहीं कर सकता हूँ, अगर मेरे पुत्र क्यों नहीं हो तथापि मैं उसको संहार करता हूँ, किसको उन्होंने संहार किया था, अपना बेटे को भगवान ने संहार किया, बताओ भगवान कौन सा बेटा था जिस भगवान, हाँ नरकासुर को उन्होंने कहते नरकासुर, कहते जो नरकासुर है ना जिस समय भगवान ये पृथ्वी को उत्तोलन कर रहे थे वराह अवतार में, जब पृथ्वी को उत्तोलन कर रहे थे, पृथ्वी को उत्तोलन करते समय उन्होंने पृथ्वी को साथ में की संबंध बना, संबंध बना तो तब ये पृथ्वी का बेटा हुआ ये नरकासुर,
लेकिन बाद में कभी ये पेण है, कहते पेण जो दुष्ट एक राजा हुआ है भागवत में कथा थी, जो पेण है भगवान को कहते मैं ही भगवान हूँ, पूजा कर तो मेरा ही नाम करो, इसलिए कहते इसकी संगत से यहाँ पर कह रहे देखो कहाँ भगवान के बेटा है, भगवान के बेटा होने पर भी इसका बुद्धि कैसे नष्ट कैसे हो गया, बोले क्यों, बोले ये पेण का संगम है, इसका मतलब है ये संग इतने गड़बड़ी है, एक संग इतने गड़बड़ी, आप किसी अच्छे व्यक्ति को साथ में बैठो ना आपका बुद्धि अच्छा हो जाएगा, अगर दुष्ट व्यक्ति को पास में बैठो ना उसकी दुष्टता को सुनते 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 एक दिन सुनोगे, दो दिन सुनोगे, तीन दिन सुनते सुनते देखना खुद वैसे बन जाओगे, वैसे बन जाओगे, पहले सोचोगे तो मैं रखा पाऊं, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर धीरे धीरे, इसलिए सत्संग स्वर्गवास असत्संग सर्वनाश, इसलिए हर शास्त्र क्या कहता है साधु संग सर्व शास्त्र के भैया अपना संगत को ठीक बना कर रखो, अगर संगत अगर गड़बड़ी हो गया ना तुम जितने अच्छे क्यों नहीं हो धीरे 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 तुम नीचे उतरना शुरू कर दो, अपने आप नीचे उतरना शुरू कर दो, इसलिए हर समय क्या करो प्रभुपाद कहते थे कोशिश करो तुम जिस लेवल में हो कम से कम उसी लेवल में रहो, लेकिन ज्यादा कोशिश करना तुमसे थोड़ी जो ज्यादा उच्च में हो भक्ति में उसका संग करो, लेकिन तुम जिस लेवल में हो उससे जो नीचा व्यक्ति का कभी संग मत करो, ये बड़े गड़बड़ी है, और जीव का जो स्वभाव होता है ना क्या स्वभाव है, वो नीचा तरफ में जाना, ऊंचा जाना नहीं चाहता है, वो नीचा ही जाना चाहेगा, ऊपर जाना नहीं चाहेगा है, वो जीव का स्वभाव ही है, इसलिए हर समय क्या करो है कम से कम अपना, इसलिए सो जाती है आशय सिद्ध साधु संग सतवरत, इसलिए सुजातीय संग करो, तुमसे थोड़ी से उच्च जो भक्ति में उनका संग करो, अगर कहीं मन हमारी खराब हो जाए ना जैसे गुरु वैष्णव कोई डांट लगाती, अगर मन खराब हो गया, अगर तुमसे जो नीचे व्यक्ति को बोले है ऐसे ऐसे सब बोलते रहते हैं प्रभु जी महाराज लोग ऐसे ऐसे डांट लगाते गाली देते, एक घर में चलो बस बढ़िया खाओ फिर खाओ, ये सब साधु संग बेकार है, लेकिन अगर उच्च संग करोगे ना बोले तुम्हारी अच्छे के लिए बोल रहे थे, अगर अब अगर इसी समय पढ़ा लिखाई करके अच्छे बन जाओगे ना जिंदगी सुधर जाएगा, जब बड़े बन जाओगे ना फिर देखोगे जब लेक्चर दोगे हरी कथा सुनोगे हजार हजार लोग कथा सुनाओगे उस समय पता चलेगा अरे हमें वैष्णव ने कितना बढ़िया सिखाया है, हैं अगर नीचे व्यक्ति का संग करोगे ना ऐसे बोलते रहते, अच्छा तो घर में रहो खाओ दाओ जरूरत नहीं सब साधुओं का सब बात डांट सुनने का कोई जरूरत है, ये असत्संग इतने गड़बड़ी है, असत्संग इतने गड़बड़ी है, असत्संग है बड़ा गड़बड़ी है, इसलिए कहते हैं भगवान के बेटा, यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद ये कहा भगवान के बेटे हैं लेकिन ये दुष्ट संगत में इसका बुद्धि खराब हो गया, और उसने क्या किया नरकासुर ने जितने सब के सब लड़कियों को पकड़ पकड़ करके जो सुंदर सुंदर लड़की दिखाना है 16,000 लड़कियों को उन्होंने ला करके उन्होंने बंदीशाला में रखा था, बोले कृष्ण जैसे 16,108 पटरानी है ना जो 16,108 हो जाएगा फिर मैं इनसे भी शादी करूंगा, इतना दुष्ट, फिर भगवान ने क्या किया भगवान उसको बद किया, अपना बेटा है लेकिन बेटे होने पर भी भगवान कहते हैं अगर कोई मेरे भक्त का विरोध जाते हैं द्रोह करते हैं मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, अपना बेटे होने पर भी मैं इसको संहार करता हूँ, यहाँ पर कहते सेवक रे द्रोह मुई सहित ना पारो पुत्र यदि है मोर तथापि संहारो, इसलिए मेरे पुत्र होने पर भी मैं इसको संहार करता हूँ, इसलिए महाप्रभु सब भक्तों को ये दर्शन कराए ना हाँ बराह रूप में, बोले कोई चिंता मत करो बेफिक्र हो कर क्या करो, तुम लोग डर रहे हो ना क्यों, उस समय में मुसलमान पीरियड था, अभी जैसे हम लोग को खोला खोले आप तिलक कंठी माला भजन कर रहे हैं पहले बड़े गड़बड़ी था, अभी महाप्रभु का तो कृपा हो गया जो तिलक लगा कर कंठी माला लगा कर हम घूमते पहले बड़ा कठिन था, उसी समय भी बड़ा कठिन था, डरते थे कीर्तन करने के लिए, बोले कोई चिंता मत करो खूब हरि कीर्तन करो है खूब हरि कीर्तन करो निर्भय होकर के भगवान के भजन करो, इसलिए महाप्रभु सारे भक्त का आदेश दिया, भक्त लोग निर्भय हो गए, बोले ठीक है आज से हम सबके सब गली गलियों में जा जा करके मृदंग बजा करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare krishna hare krishna 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 hare hare बात करें।